हम आज आपको इस टाइप के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। जैसा कि वीडियो देख सकते हो, टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो के लेफ्ट पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो को लास्ट तक लेकर आना है। वीडियो के लेफ्ट पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव कर सकते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इसे ग्रीन कर देना है। इसके बाद सिंपल इस तरह से फुल साइज आपको कर देना है। ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले कर देना है। सिंपल इस तरह से इसे फुल साइज आपको कर देना है। इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पे आना है, इस तरह से आपको बिल्कुल कलर आपको कर देना है ग्रीन। इसके बाद डन कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो हमारा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। फिर से हमें इसे बैक कर लेते हैं। प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, जो वीडियो हमें बैकग्राउंड में लगाना है उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, जो वीडियो आपने ग्रीन स्क्रीन में एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे सही तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। जो आपको बॉडी जो है आपको वाइट दिखना चाहिए और बाकी का पार्ट आपको ब्लैक दिखना चाहिए, इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है, इस पर क्लिक करना है और इसे हमें इस तरह से जूम कर लेना है। तो हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। आपको करना क्या, सिंपल लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर लेना है। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें यहाँ पे HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट।